ओशो कहते हैं, मैं पागल हूं और जब तक तुम्हें पागल ना बना दूं, ये दोस्ती बनी रहनी चाहिए। ओशो, भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश, जिन्हें ज्यादातर लोग सिर्फ ओशो के नाम से ही जानते हैं, उन्हें आप एक इंडियन मिस्टिक भी कह सकते हैं, जिन्हें कुछ लोग इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक मानते हैं तो कुछ लोग कंट्रोवर्सी का गुरु भी मानते हैं। इनके प्रिंसिपल्स हिंदुइज्म, जैनिज्म, सूफिज्म, ताओइज्म और क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड हैं। आनंद जयेश एक एक करके वेद को ओशो की फिलॉसफी बता रहे थे। जयेश की बातें बिल्कुल सही भी हैं। सोचकर देखिए, जिसने 1.5 लाख किताबें पढ़ी हैं, वो ग्रेट फिलोसोफर क्यों नहीं कहलाएगा? भले ही हो सकता है उनकी कुछ बातें हमारे ट्रेडिशनल कल्चर से मैच नहीं करती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आपकी जिंदगी को वाकई बदल सकती हैं। इनकी किताबें आज भी कई लोगों के जीने का सहारा हैं। ओशो की जिस फिलॉसफी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, वो ये थी कि आपको संन्यास लेने के लिए अपना घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के सफर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुनिया से नाता तोड़ना होगा, आपको खाना पीना छोड़ना होगा। आप इसी दुनियादारी में रहते हुए भी आध्यात्म को हासिल कर सकते हैं, अपने अंदर आध्यात्म को जागृत कर सकते हैं, आप एनलाइटेंड हो सकते हैं। ओशो अलोननेस या अकेलेपन के महत्व को बताते हैं। वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले जीते हैं और अकेले ही इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। अगर आप अकेलेपन के इस महत्व को समझ लेंगे तो आप जिंदगी को भी समझ लेंगे। ओशो कहते हैं कि गलती ये होती है कि हम इस अकेलेपन को, अकेलेपन के आनंद को लोनलीनेस समझ लेते हैं, जबकि ये अलोननेस है जो जिंदगी को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओशो की इस बात को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि आप अपने आप को एंजॉय कीजिए, आप अपने अकेलेपन को एंजॉय कीजिए, आप अपना साथी खुद बनिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को समझाइए, अपने आप के साथ रहिए, अपने आप के साथ हंसिए, तो आपको किसी और की जरूरत नहीं है। ओशो दिमाग को हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते थे और उनका कहना था कि आपका दिमाग एक आरी की तरह है जिससे आप लकड़ी काटकर खूबसूरत घर बना सकते हैं, जिससे आप लकड़ियों को काटकर उससे खाना बना सकते हैं, लेकिन अगर आप हर वक्त ही आरी पकड़कर चलते हैं तो आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका मन भी इसी आरी की तरह है जो हमेशा लोगों को काटता रहता है, कभी अच्छे लोगों को, कभी बुरे लोगों को, कभी अच्छे ख्यालों को, कभी बुरे ख्याल को। तो आपको बस इस आरी से थोड़ा दूर हटना होगा, कुछ देर इसके बिना रहना होगा। ओशो कहते थे कि आपका मन एक प्रोस्टिट्यूट है जिससे सही और गलत कुछ भी करवाया जा सकता है, वो सही या गलत कुछ भी नहीं सोचता, इसलिए आपको अपने मन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। ओशो कहते हैं विजडम यानी कि आजादी इंटरनल है जो आपके अंदर से आती है और लॉजिक टेम्पररी है। आजादी को महसूस कीजिए, इसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंदर है। ये दुनिया इलॉजिकल है, यहां बहुत कुछ ऐसा है जिसे आप समझ ही नहीं सकते, इसलिए आपको लॉजिक के उस पार जाना होगा, आपको इस दुनिया को अलग ढंग से देखना होगा। ओशो ने जल्दबाजी को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, शांत होकर सही रास्ते पर चलिए, ओवर एम्बिशन से दूर रहिए, इससे आप अपनी जिंदगी को जी पाते हैं। अगर आप अपने टैलेंट और स्किल को डेवलप करेंगे तो सफलता अपने आप आपके पास आ जाएगी। इसलिए कभी दूसरों के हालातों को देखकर खुद को कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिए, अपनी जिंदगी को समझकर अपने हिसाब से चलिए, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए, कामयाबी खुद आपके रास्ते पर आ जाएगी। हमने इस स्पेशल सीरीज में ओशो को समझने की कोशिश की।
उनकी फिलॉसफी को समझने की कोशिश की, उनकी जिंदगी के कुछ कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर नजर दौड़ाने की कोशिश की। फिलॉसफी और दुनिया के कुछ मिस्टिक लोगों की कहानी ओशो पर खत्म नहीं होती, और भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं या जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।